मशहूर पंजाबी फोक सिंगर सुरेंद्र सिंधा को लेकर एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रखी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सुरेंद्र सुधा का निधन हो गया है। 26 जुलाई को सिंगर का निधन हुआ है। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में एडमिट थे। बुधवार को लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कल तक जिन सुरेंद्र सिंधा की आवाज लोगों का दिन बना देती थी, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गई है। उनके निधन की खबर ने फैंस की आंखें नम कर दी है। परिवार में गम का माहौल है। सिंगर के बेटे मनिंदर सिंधा को मलाल है कि वो विदेश से अपने बीमार पिता को देखने नहीं आ सके। बेटे का कहना है कि अगर सही वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो वो शायद बच जाते। सिंगर के बेटे का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से विदेश में रह रहे थे। 22 जून को अचानक सुरेंद्र सिंधा की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें लुधियाना के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी तबीयत संभलने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। अब पिछले कुछ दिनों में लुधियाना के एक बड़े नामी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, पर लाखों कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखे। और नई अपडेट के लिए अंश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।